नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों योगदान छोटा हो या बड़ा देना ज़रूरी है। चाहे वो योगदान आप अपने परिवार के लिए जैविक सब्जियाँ उगाकर दे रहे हों अपनी छत पर, या किसान भाई बड़े पैमाने पर जैविक खेती करके दे रहे हों, लेकिन योगदान देना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो भी जैविक खेती से ही रिलेटेड है और ये है जैविक कीटनाशक पर, जो है अग्नियास्त्र। आज हम अग्नियास्त्र से रिलेटेड डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। एक किसान भाई ने मुझे कमेंट भी छोड़ा था कि नरमे की फसल पर आई हुई सफ़ेद मक्खी या रस चूसक कीटों से कैसे बचाव किया जाए। भाई साहब आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अग्नियास्त्र से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, क्या इसे स्टोर किया जा सकता है, किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है अग्नियास्त्र? अग्नियास्त्र एक जैविक कीटनाशक है। इससे पहले हम नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र पर बात कर चुके हैं, आज हम डिटेल में अग्नियास्त्र पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप जब रासायनिक खेती कर रहे होते हैं तो आप सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देकर ख़रीदते हैं, और जब आप जैविक खेती की बात करते हैं तो आप जैविक खाद हो, जैविक कीटनाशक हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, जो भी हो, व्हाटएवर जो भी आपको खेती में लगता है, वो सभी चीज़ें आप स्वयं अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बिना किसी लेबर के, अपने परिवार की सहायता से, घर में मिलने वाली चीज़ों से। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से शेयर करूं, जिससे आपको जैविक खेती करने में सहायता मिले, आप में आत्मविश्वास आए कि नहीं हम जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अग्नियास्त्र पर बात होने वाली है। अग्नियास्त्र किन कीटों पर काम करता है? दोस्तों स्पेशली ये रस चूसने वाले कीटों पर, छोटी सुंडियों पर, रेड बेटल पर, फल छेदक पर, तना छेदक पर, इस तरीके की जो भी बीमारियां आपकी फसल पर आती है ये उन सभी बीमारियों पर काम करता है। सिर्फ हमें ध्यान ये देना होता है कि हम सही समय पर उपचार शुरू कर दें, हम देरी ना करें। यदि आपको 2% भी लगता है कि नहीं मेरी फसल पर ये प्रकोप आ सकता है, आप तुरंत जैविक कीटनाशक बनाकर उसका स्प्रे शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी फसल पर नहीं होता है। तो अगर आप कीट के आने के पहली अवस्था के भी पहले अगर जैविक कीटनाशक का स्प्रे शुरू कर देंगे तो आपकी फसल पूरे तरीके से बच जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अग्नियास्त्र में लगने वाली सामग्री की। आपको सबसे पहले लगने वाले हैं नीम के पत्ते, वो भी 5 किलो, 5 किलो नीम के पत्ते आपको लगेंगे। दूसरी चीज़ आती है गौमूत्र, गौमूत्र आपको देसी गाय का लेना है, वो भी 20 लीटर। दोस्तों अगर आपके पास गौमूत्र की जगह वेस्ट डिकम्पोज़र है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको लेना है 20 लीटर गौमूत्र। उसके बाद आता है तंबाकू पाउडर। तंबाकू आप सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे, तंबाकू पाउडर ब्राउन कलर का होता है जो नॉर्मली पहले के टाइम में खाया जाता था, आज भी बहुत से लोग इस गंदी लत के शिकार हैं। तो जी हाँ, वही तंबाकू पाउडर आपको लेना है 500 ग्राम। फिर आपको लेनी है तीखी हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा तीखी होनी चाहिए, जिसे आप लौंगी मिर्ची भी बोलते हैं, छोटी छोटी आती है, तीखी हरी मिर्च लेनी है, वो भी लेनी है आपको 500 ग्राम। इसके बाद लहसुन की चटनी, वो लेनी है 250 ग्राम। मैं सामग्री एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए, आगे के लिए अच्छा रहेगा। नीम के पत्ते 5 किलो, गौमूत्र देसी गाय का 20 लीटर, अगर गौमूत्र नहीं है वेस्ट डिकम्पोज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, तंबाकू पाउडर 500 ग्राम, तीखी हरी मिर्च 500 ग्राम, लहसुन की चटनी 250 ग्राम। आई होप आपने नोट कर लिया हो, ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली है। अब हमें क्या करना है, हमें हरी मिर्च, लहसुन और नीम के पत्ते, इन सभी का बारीक फाइन पेस्ट या यूं कहिए चटनी बना लेनी है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मिक्सर ग्राइंडर है उसमें बना लीजिए, खलबत्ते में बना लीजिए, जो भी आपके पास है आप उसमें प्रॉपर तरीके से इसकी चटनी बना लीजिए। हरी मिर्च, लहसुन, नीम के पत्ते, सभी को आपने अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद में जो तंबाकू पाउडर है, ये सारी चीज़ें आपने लेकर जो गौमूत्र या वेस्ट डिकम्पोज़र आपके पास है उसमें डाल देना है।
उसमें डाल के आपको इसे मध्य आंच पे उबालना है मिट्टी के बर्तन में। जो सारी चीज़ें हैं उनका आपने फाइन पेस्ट बना लिया है, उसमें तंबाकू पाउडर भी मिला लिया है, और गौमूत्र या वेस्ट डिकम्पोजर जो आपके पास अवेलेबल है आपने उस पर इन्हें मिट्टी के बर्तन में मध्य आंच पर उबालना है। लगभग 2 उबाल आपको लेने हैं, उस बीच में ये चीज़ें अच्छे तरीके से उबल जाएगी, लेकिन चीज़ें सारी आपको धीमी आंच पर करनी। ऐसा नहीं है कि फटाफट फ्लेम ऑन कर दिया या फटाफट जला दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं है। धीमी आंच पर पकने दीजिए उसे, उसका पूरा अर्क हमें उतारना है तभी हमारा अग्न्यास्त्र कंप्लीट होगा। एक बार 2 बार उबाल आपने ले लिया है, उसके बाद उसे आंच से उतार लीजिए और 48 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 48 घंटों के बाद इसे ढकना न भूलें, कपड़े की सहायता से आप इसे कवर करके रख दीजिए और 48 घंटों बाद इसे छानकर आप उपयोग में ला सकते हैं। इस बीच में आपको लगातार 2 से 3 बार आपका जो मिश्रण है उसको लकड़ी के डंडे की सहायता से हिलाना है, हिलाना न भूले, अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो 48 घंटों के बीच में 2 से 3 बार आप उसे लकड़ी के डंडे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 48 घंटों बाद आप इसे कपड़े की सहायता से या छलनी से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे छान दीजिए। आपका अग्न्यास्त्र पूरे तरीके से रेडी है काम करने के लिए। अब इसे यूज़ कैसे करना है दोस्तों, अगर आपने 5 लीटर अग्नियास्त्र लिया है तो 200 लीटर पानी आपको लेना है और ये 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए सफिशिएंट होता है। मतलब 200 लीटर पानी के साथ में आप 5 लीटर अग्नियास्त्र का उपयोग करेंगे 1 एकड़ की फसल के लिए। अच्छे से स्प्रे करना है, अपने पौधों को पूरे तरीके से नहला देना है। अगर आप इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जो भी तना छेदक कीट या पत्ते खाने वाले या जो सफ़ेद मक्खी या जो छोटी सुंडियों का प्रकोप आपकी फसलों पर होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये कीटनाशक का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में ये आपके जो फसल है, आपके जो पौधे हैं, उन्हें पोषक तत्व भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसमें गौमूत्र है। इसमें गौमूत्र ना ले रहे हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर है। ये दोनों चीज़ें आपकी फसल के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप जब चेंजेस देखेंगे तो आपका कीट तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, कीट तो आपका ख़त्म हो ही रहा है, साथ में आपकी फसल को पोषक तत्व मिलने से जो एक फसल में एक ब्राइटनेस, एक जो चमक, एक जो हरापन आपकी फसल में आएगा वो आप खुद ही देख पाएंगे, खुद ही विजिबल होगा। और जब फसल हेल्दी होती है फ्रेंड्स, तो उस पर कीटों का प्रकोप अपने आप नेक्स्ट टाइम से कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप अग्नियास्त्र का उपयोग कीजिए, बहुत ईजी है। 5 लीटर अग्नियास्त्र 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको यूज़ करना है। आपकी जो भी फसल पर कीट आया है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई अनाज हो, या दूसरी जो भी फसल आप ले रहे हैं, आई होप आपको विधि अच्छे से समझ में आ गई हो कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अगर आपने नीमास्त्र का प्रयोग किया है, कई बार दिमाग में डाउट रहता है इंसान के कि मैंने नीमास्त्र का उपयोग किया था, क्या अब मैं अग्नियास्त्र का उपयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को 1 हफ्ते के गैप में चलने दीजिए। आपने एक बार नीमास्त्र का स्प्रे किया है, 1 हफ्ते का गैप लीजिए, फिर आप अग्नियास्त्र का स्प्रे कीजिए। इससे मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी फसल पर किसी भी तरीके का कोई कीट नहीं आएगा, जो आया भी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और फसल को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो तो अपने आप में सोने पर सुहागा का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी फसलों पर यूज़ कीजिए। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए कि मेरी फसल पर कीट आने वाले हों, उसके पहले ही मैं सारी तैयारी करके रख लूँ। कोई मेजर खर्चा नहीं होना है, लहसुन हरी मिर्ची इसमें क्या खर्चा होगा आपका? कई किसान तो खुद ही उगाते, तो उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें होती है। अच्छा, अगर मैं इसको स्टोर करके रखने की बात करूँ तो आप 3 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 3 महीने के अंदर ही इसे पूरा उपयोग कर लें। तो दोस्तों, ये हो गई कंप्लीट जानकारी अग्नियास्त्र के ऊपर, बनाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, किन किन फसलों पर यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमने कवर की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, या आपकी किसी पर्टिकुलर फसल पर कोई कीट आया हुआ है, या आपकी फसल के साथ कोई परेशानी चल रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं, या जिस भी फसल की जैविक खेती करने के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम प्रॉपर तरीके से बिना खर्च के आप खेती कर सकें वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। जो भी मेरे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं,
प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ हम जैविक खेती कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जब आप बोलेंगे तभी दूसरे किसान भाई भी प्रोत्साहित होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन वीडियोस की ज़रूरत हर उस किसान को है जो जैविक खेती करना चाहता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगी कि आप अपने जो भी सर्कल में किसान भाई हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर शेयर करें और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें। जब समझेंगे तभी वो उसे उपयोग में लाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर जैविक खेती से जुड़ी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों कोशिश यही है कि किसान भाई की लागत कम होती जाए और मुनाफा ज़्यादा होता जाए। जब किसान का जीवन स्तर सुधरेगा तभी देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो दोस्तों आज उसी के चलते मैं एक और वीडियो लेकर आपके साथ में आई हूँ और वीडियो बेस्ड है ब्रह्मास्त्र पर। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक तरीके का जैविक कीटनाशक है। दोस्तों अगर मैं जैविक खेती की बात करूं तो उसमें टोटल 3 प्रकार के कीटनाशक होते हैं जिनके उचित समय पर उपयोग करने से आप अपनी फसल को कीटों से आसानी से बचा सकते हैं। पहला है नीमास्त्र, जिस पर हम बात कर चुके हैं, डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिए और जाकर विजिट कर लीजिए। पहला है नीमास्त्र, दूसरा है ब्रह्मास्त्र और तीसरा है अग्नियास्त्र। दोस्तों जैसे ब्रह्मा जी का अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिससे वे अपने शत्रुओं का नाश करते थे, आप उसी तरीके से समझ लीजिए जैविक खेती में आप ब्रह्मास्त्र के उपयोग से बड़े कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि हमें उचित समय पर जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र का उपयोग शुरू कर देना है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्रह्मास्त्र को कैसे बनाया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, क्या इसे स्टोर कर रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए। अगर स्किप किया तो हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आप नोट करते जाइएगा, नोट करके रखेंगे तो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से आप बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में लगने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले है एक मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, चाहे वो मटका हो या और कुछ हो। तो सबसे पहले जो आपको लगने वाला है वो है मिट्टी का बर्तन। इसके बाद आपको लगेगा 10 लीटर गौमूत्र। देसी गाय का गौमूत्र यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपके पास देसी गाय का नहीं है तो जो अवेलेबल है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे पत्तों के नाम बताने वाली हूँ जिन्हें पशु नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स जो नाम मैं बताने वाली हूँ अगर ये आपके आसपास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उन पत्तों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें पशु नहीं खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका मिट्टी का बर्तन हो गया, उसके बाद में 10 लीटर गौमूत्र हो गया। अब जो पत्ते आपको लगने वाले हैं वो इस प्रकार है। 3 किलो नीम के पत्ते। नीम के पत्ते कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 3 किलो आपको नीम के पत्ते लेने हैं। 2 किलो धतूरे के पत्ते, धतूरे जो शिवजी को फल चढ़ता है उसके पत्ते। 2 किलो सीताफल के पत्ते। 2 किलो करंजी के पत्ते। 2 किलो अरंडी के पत्ते जिसका तेल बनाया जाता है। 2 किलो बिलपत्र के पत्ते। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, 3 किलो आपको नीम के पत्ते लेने हैं, 2 किलो आपको धतूरे के पत्ते लेने हैं, 2 किलो आपको सीताफल के पत्ते लेने हैं, 2 किलो करंजी के और 2 किलो अरंडी के पत्ते लेने हैं, 2 किलो बिलपत्र के पत्ते लेने हैं। इनमें से आप किसी भी 5 प्रकार के पत्तों का चयन कर सकते हैं। यदि सारे उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो कोई भी 5 आप ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर उसमें से भी अगर आपके पास ये पत्ते आसपास अवेलेबल नहीं हैं तो आप कनेर के पत्ते ले सकते हैं, कनेर कोई नहीं खाता है। उसके अलावा आप गाजर घास ले सकते हैं, उसे पशु नहीं खाते हैं। इस टाइप की कैटेगरी के जो भी पत्ते हैं जिन्हें पशु नहीं खाते हैं
आप उन्हें उठाइए और उनका उपयोग कीजिए, कोई समस्या नहीं है। जो लिस्ट बताई अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो अवेलेबल है वो यूज़ कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों जितने पत्ते आपको बताए हैं आप इन्हें अच्छे से मिक्सर में, सिलबट्टे में, जो आपके पास अवेलेबल है अच्छे से पीस लीजिए। बस हमें इसकी चटनी बनानी है, बहुत महीन चटनी बनानी है। चटनी बनाने के बाद जो मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उस बर्तन में आप 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और उस गौमूत्र में जो पत्तों की चटनी आपने बनाई है वो चटनी डाल दीजिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे बहुत अच्छे से उबालना है। कम से कम 4 से 5 उबाल ऐसे आने चाहिए कि पूरा जो आपका मटेरियल है अच्छे से बॉईल हो जाए। 4 से 5 उबाल आने पर इसे बंद करके रख दीजिए। रात भर आपको इसे ठंडा होकर रखने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों 48 घंटों में आपका ब्रह्मास्त्र बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। 48 घंटों बाद आप इसे छान लीजिए और किसी भी मिट्टी या कांच के बर्तन में इसे भरकर स्टोर कर लीजिए। धातु के बर्तन का उपयोग नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमें इस कीटनाशक को स्टोर करके रखने के लिए धातु के बर्तन का उपयोग कतई नहीं करना है। या तो मिट्टी का ले लीजिए या तो आप कांच का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें भरकर आप इसे स्टोर कर लीजिए। अब दोस्तों इसे उपयोग कैसे करना है, तो इसे उपयोग तब करना है जब आपकी फसल पर बड़ी सुंडियों का प्रकोप या किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखना शुरू हो। आपको सतर्क रहना है, इस चीज़ का उपयोग आपको शुरुआती अवस्था से ही शुरू करना है। जब आप शुरुआती अवस्था से शुरू करेंगे तभी आप कीटों पर पूरा कंट्रोल पा पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैविक खेती में लोग कीटों पर कंट्रोल नहीं पाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है और कीट फैल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि आप सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही समय पर सही सिचुएशन में इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी फसल को कीटों से बचा पाएंगे। तो जब भी कीटों का प्रकोप दिखाई देना शुरू हो, शुरुआती अवस्था हो, बड़ी सुंडियों का प्रकोप दिखाई दे या आपके पड़ोसी खेत में भी प्रकोप दिखाई दे तो भी आप इसका स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। आपको इसका उपयोग कैसे करना है एक एकड़ भूमि के लिए मैं बताती हूँ। एक एकड़ भूमि के लिए आपको 100 लीटर पानी में मात्र 3 से 4 लीटर ब्रह्मास्त्र का जो आपने घोल बनाया है वो डालना है। दोस्तों एक एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में मात्र 3 से 4 लीटर आपको ब्रह्मास्त्र का जो घोल है वो मिलाना है, मिक्स करना है और उसका स्प्रे कर देना है अच्छे से। स्प्रे इस तरीके से करना है कि पौधा पूरे तरीके से नहा ले इस पानी से, इस घोल से। ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप 10 दिन में 2 बार कर सकते हैं, 5-5 दिन के अंतर में आप इसका उपयोग कीजिए। समय सुबह या शाम का चूज़ कीजिए, धूप के समय मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह के समय या शाम के समय आप इसका उपयोग करें, अपनी फसल पर स्प्रे करें। 10 दिन में 2 बार कीजिए, कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये पूरे तरीके से जैविक है, तो इससे मिट्टी, जल या इंसान, किसी को भी, पर्यावरण को, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नॉर्मली आप देखते हैं जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उन पर प्रिकॉशन के तौर पर लिखा जाता है कि हाथ में दस्ताने पहनिए, मास्क लगाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन की एक मात्रा होती है जो कीटों के साथ साथ आपके मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है, और यही एक कारण होता है कि उस पर लिखा रहता है कि दस्ताने पहनिए, आप मास्क लगाइए। लेकिन जैविक कीटनाशक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे बिंदास स्प्रे कीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी नहीं होगी, ना आपको होगी, ना मिट्टी को होगी, ना पर्यावरण को होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रह्मास्त्र बनाकर 6 महीने तक बिना किसी परेशानी के इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आप एक बार बनाइए, 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके किसी भी कांच या मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, धातु के बर्तन में मत रखिए। आपका ब्रह्मास्त्र बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपको यूज़ करना है उसे ओपन कीजिए और यूज़ कर लीजिए। पहले से चीज़ें तैयार आपके पास रखी रहेगी तो आप जल्दी से उसे अपने उपयोग में ला पाएंगे कि मैंने अगर आज कीट देखा है तो मैं 48 घंटे का वेट क्यों करूं? अगर मेरे पास वो चीज़ बनी हुई रखी रहेगी तो मैं तुरंत उसका स्प्रे कर दूं। इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है आपका, कोई मेहनत नहीं लग रही है, कोई लेबर नहीं लग रही है, तो बना के रखने में क्या बुराई है? जैसे ही प्रकोप आएगा आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर करके अपने पास प्रिकॉशनली, सावधानी के तौर पर रखें, ताकि जैसे ही समस्या आए आप तुरंत इसका स्प्रे करके उससे निजात पा सकें। दोस्तों हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि किसान की कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सके।
जो उसका एक मोटा रकम, एक बड़ा पैसा उसका कीटनाशक में या बोलिए खाद खरीदने में जाता है, तो उसके बाद में जो उसका पोर्शन बचता है, उसके मुनाफे का जो पोर्शन बचता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे उसका मनोबल भी गिरता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी गिरती है। तो कोशिश कीजिए आप घर की बनी चीज़ों का उपयोग करें, आप जैविक चीज़ों का उपयोग करें, रसायन की तरफ आप ना जाएं। जब आप खुद चीज़ें बनाएंगे, उपयोग करेंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, आपका मुनाफा भी दो गुना होगा। तो क्या बुराई है जैविक खेती अपनाने में? दोस्तों, यदि आप भी जैविक खेती कर रहे हैं, और मैं श्योर हूँ अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप मुनाफे में ही जा रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दूसरे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाइए। हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हमें सबको लेकर आगे बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कीटों पर कैसे नियंत्रण पाते हैं, आप कौन सा जैविक खाद यूज़ करते हैं, आप कौन सी फसल लेते हैं। जब आप किसान से किसान आपस में इंटरेक्शन करता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। सिर्फ इसीलिए मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जैविक खेती में जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, आपस में बातें कीजिए। जो समस्या है उसका निराकरण देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे, पर कोशिश आपको खुद ही करनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यहाँ कि आपको वीडियो समझ में आया हो, विधि समझ में आई हो, प्रॉपर चीज़ें समझ में आई हो। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान आपको दे सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और यदि चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपके साथ ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कभी आपने सुना है कि आप ही के खेत की मिट्टी से आप अपने खेत की फसल को पोषण भी दे सकते हैं और साथ ही साथ कीटों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर यह सच है कि आपके खेत की जो मिट्टी है उसका एक प्रॉपर तकनीक के साथ इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर घोल तैयार कर सकते हैं और अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बड़े से बड़े कीट पर भी बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं इस ही खेत की मिट्टी द्वारा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं CVR सॉइल तकनीक के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू, जिसके उपयोग से किसान भाई बिना किसी खर्च के और बहुत ही कम मेहनत में एक शानदार फसल का उत्पादन ले सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या है CVR तकनीक, सॉइल तकनीक, कैसे इसे उपयोग किया जाता है, किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार हम इसका पोषण के लिए उपयोग करें और किस प्रकार हम कीट प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूँ CVR सॉइल तकनीक की, तो इसका पूरा जो नाम है वो चिंतला वेंकट रेड्डी जी के नाम पर रखा गया है, CVR चिंतला वेंकट रेड्डी जी। ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ही कहेंगे आप इन्हें, जो लगातार जैविक खेती के लिए काम करते आ रहे हैं। इन्हें अपने जैविक खेती में जो योगदान है, जो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण एक योगदान दिया है जैविक खेती में, उसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो आप सोचिए कि किस स्तर का काम हमारे जीवन में ऐसे लोग कर रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन चीज़ों में लगा दी है, सिर्फ उन चीज़ों की खोज करने के लिए कि किसान कैसे कम से कम खर्च में बेहतरीन उत्पादन ले सकता है। तो आइए बात करते हैं CVR सॉइल तकनीक की। नाम तो जैसे मैंने आपको बताया, रेड्डी जी के नाम पर CVR सॉइल तकनीक इसका नाम रखा गया है। क्या होता है CVR सॉइल तकनीक में? दोस्तों, CVR सॉइल तकनीक में हम दो तरह की मिट्टी का उपयोग करेंगे। पहली है टॉप सॉइल, दूसरी है सब सॉइल। जी हाँ, टॉप सॉइल से मतलब है आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह से 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपकी आती है टॉप सॉइल में। अब बात करते हैं सब सॉइल की। जब आपके टॉप सॉइल आप निकाल लेते हैं, 3 इंच तक की आपने मिट्टी इकट्ठी कर ली है, उसके बाद में आप 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपको 15 किलो इकट्ठी करनी है 1 एकड़ के लिए। जी हाँ, यहाँ पर जो मैं बात करूँगी वो 1 एकड़ के लिए करूँगी। ये अनुपात आगे पीछे भी हो सकता है, पर एक जो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको 1 एकड़ के लिए 15 किलो टॉप सॉइल लगेगी और 15 किलो सब सॉइल लगेगी। तो पहली ऊपरी सतह से लेकर 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपकी हो जाती है टॉप सॉइल,
और जब उस जगह से आपको खोदना है, 3 फीट तक आपको खोदना है, 3 फीट के बाद में 3 फीट से 5 फीट के बीच की जो मिट्टी आएगी वो होती है सब सॉइल। इस तरीके से आप टॉप सॉइल कलेक्ट कर लीजिए 15 किलो और सब सॉइल कलेक्ट कर लीजिए 15 किलो। तो ये तो बात हो गई कि मिट्टी कैसे निकालें, अब हमें इसका उपयोग किस प्रकार करना है। दोस्तों, टॉप सॉइल और सब सॉइल का उपयोग हमें दो तरीकों से करना है। पहला, यदि आपको फसल को पोषण प्रदान करना है उसकी एक अलग विधि है, यदि आपको फसल पर कीट नियंत्रण करना है तो उसकी विधि अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। यदि आपको फसल पर पोषण के लिए स्प्रे करना है तो आप सबसे पहले 15 किलो टॉप सॉइल ले लीजिए और 15 किलो सब सॉइल ले लीजिए। अब इन दोनों मिट्टियों को आपको एक 200 लीटर पानी का ड्रम लेना है, उसे पूरा आपको पानी से भर देना है और टॉप सॉइल और सब सॉइल को उस पानी में घोल देना है और लकड़ी के डंडे की सहायता से आपको अच्छे से इस मिट्टी को मिक्स कर लेना है। कहीं से भी मिट्टी में कोई ऐसा डल्ला ना रह जाए, ऐसा हार्ड सा पार्ट ना रह जाए, पूरी मिट्टी, पूरी सॉइल आपके पानी में अच्छे से घुल जानी चाहिए। बहुत मेहनत नहीं लगेगी, बहुत कम टाइम में आपकी सॉइल अच्छे से पानी के अंदर घुल जाएगी। जैसे ही आपका पूरा मिट्टी मिक्स हो जाती है पानी में, आप उसे किसी छलनी या कपड़े की सहायता से छान लीजिए और स्प्रे पंप में भरकर आप अपनी फसल पर स्प्रे स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसे डाइल्यूट नहीं करना है, इसमें ऊपर से कोई पानी नहीं मिलाना है, जो आपने छाना है आपको एज इट इज उसका उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई हमारी पोषक तत्वों की। अब यदि मुझे कीट प्रबंधन के लिए अपनी फसल पर CVR तकनीक का यूज़ करना है तो मैं सिर्फ सब सॉइल का यूज़ करूँगी। मैं 30 किलो सब सॉइल आपको लेनी होगी और उस सब सॉइल को सेम आपको 200 लीटर के पानी के ड्रम में घोलना है और उसे छान कर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। अच्छा, सब सॉइल में ध्यान रखने वाली बात होती है कि सब सॉइल जब आप लेंगे तो आपको पानी को हिलाने के तुरंत बाद में छान लेना है। मतलब कि कीट के लिए जब आप CVR तकनीक का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पानी में कुछ मात्रा में मिट्टी आनी चाहिए। जब आप आपकी फसल पर सब सॉइल का स्प्रे करें तो आपको उस पर एक आपके पत्तों पर मिट्टी की एक पतली सी परत दिखाई देनी चाहिए, तब इसका काम प्रॉपर होगा। अगर आपने इसे ज़्यादा ऐसा एकदम पतले फॉर्म में लिया है तब इसका असर उतना नहीं होगा। तो सब सॉइल में ध्यान आपको यही रखना है कि जब आप इसका स्प्रे करें तो पत्तों पर आपको मिट्टी दिखाई दे, तभी ये अपना प्रॉपर काम करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, जो सब सॉइल होती है वो कुछ चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, तो जब वो मिट्टी आपके पत्तों पर, आपकी फसल पर चिपकती है तो जो कीट होते हैं या कीट के जो अंडे होते हैं उन पर जब आप सब सॉइल का स्प्रे करेंगे तो उनकी श्वसन क्रिया रुक जाएगी, जिससे कीट जहाँ है वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो अंडा है, जो जहाँ हुआ है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जब हम सब सॉइल का स्प्रे करेंगे कीट नियंत्रण के रूप में, तो हमें उस पानी को थोड़ा सा मोटा लेना है कि स्प्रे करते टाइम पत्तों के ऊपर मिट्टी रहे और वो मिट्टी जाकर उन कीटों पर या उनके अंडों पर चिपक कर उन्हें तुरंत वहीं पर रोक दे। इस वजह से कीट नियंत्रण बहुत स्पीडली आप CVR सॉइल तकनीक से कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो सिर्फ सब सॉइल में पाए जाते हैं, और इसी के चलते हम दो तरीकों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि आप पोषक तत्वों के लिए कैसे उपयोग करें और कीट नियंत्रण के लिए कैसे उपयोग करें। जब आपकी फसल में यदि आप पोषण के लिए इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप शुरुआती अवस्था से, फसल की शुरुआती अवस्था से इसका स्प्रे शुरू कीजिए। स्टार्टिंग से ही, जैसे आपकी पौध 15 दिन की हो जाए, आप हर सप्ताह जो आपका सब सॉइल और टॉप सॉइल का मिक्सचर है आप उसे स्प्रे कीजिए। लगातार हर सप्ताह आप इसका स्प्रे कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स आएंगे। और जब कीट के लिए आप इसका उपयोग करें तब भी आप कोई भी फसल हो आपकी, उसकी शुरुआती अवस्था में, स्पेशली जब फूल आने लगते हैं, शुरुआती अवस्था से मतलब है जब फूल आने लगते हैं, आप उस समय से, चाहे फसल में कीट हो ना हो, आप सब सॉइल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, कीट आने के पहले ही आप उसका नियंत्रण कर चुके होंगे, आप उसका समाधान शुरू कर चुके होंगे। और यदि आपकी किसी फसल में कीट लग भी जाता है तो भी आप लगातार हफ्ते में 3 बार इसका स्प्रे कीजिए। जी हाँ, हफ्ते में 3 बार आप इसका स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा, कुछ मादा कीट ऐसे होते हैं दोस्तों जो सब्जियों के फूल हो गए उनके अंदर जाकर अंडा देते हैं,
तो इससे जब वो फूल फल में कन्वर्ट होता है तो वो ऑलरेडी खराब ही बन रहा होता है। जैसे आप बैंगन की फसल देख लीजिए, ये जो कुछ फसलें होती है इनमें अंदर की साइड से ही वो अंडा दे देता है और फल के साथ में उनका जो भी कीट है वो भी बढ़ता है, तो इससे एक भारी मात्रा में उत्पादन में कमी आ जाती है। तो यदि आप अपनी फसल के फूल वाली अवस्था से ही सब सॉइल का स्प्रे स्टार्ट कर देंगे तो आप इस परेशानी से पूरी तरह से बच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जब आपकी फसल पे फूल आने लगे आप तब से ही सब सॉइल का स्प्रे करें, और जो टॉप सॉइल और सब सॉइल का जो मिक्सचर आप यूज़ करने वाले हैं उसे आप आपकी फसल की स्टार्टिंग अवस्था से ही डालना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी पोषक तत्वों की कमी आपकी फसल में नहीं आएगी और वजन भी बहुत अच्छा बैठेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत से ही इसका स्प्रे शुरू कर दीजिए। अब बात आती है किन किन फसलों पर आप CVR सॉइल तकनीक का यूज़ कर सकते हैं। टोटल सारी फसलों पर आप इसका उपयोग कीजिए, धान हो गई, मक्का हो गई, सब्जियाँ हो गई, जो भी फसल आप लगाते हैं आप उस पर इसका स्प्रे कीजिए। सारी फसलों पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सोचिए अगर व्यक्ति को पद्मश्री मिला है किसी काम के लिए तो डाउट करने वाली बात ही नहीं हो सकती, और बहुत से किसान भाई हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो चने की फसल में जो इल्लियों का प्रकोप आता है आप CVR सॉइल तकनीक से इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस बीमारी पर रासायनिक दवाइयाँ तक काम नहीं करती है उस पर आप CVR सॉइल तकनीक से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो टिड्डी दल का आक्रमण होता है, प्रकोप होता है, आप उसे भी इससे कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बैंगन में जो फूल में मादा कीट जो अपना बच्चा दे देती है, अपना अंडा दे देती है, जिससे नुकसान होता है, आप उस पर भी इससे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप CVR सॉइल तकनीक का उपयोग पोषण के लिए और कीट नियंत्रण के लिए दोनों के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बताइए आप, कोई खर्च हुआ आपका? नहीं हुआ ना। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके खेत में ऐसी जगह नहीं है या ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है कि आप उस खेत की मिट्टी का उपयोग कर सकें, तो आप चाहें तो आपके पड़ोसी खेत से भी आप मिट्टी लाकर उपयोग कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि पहले आप ही के खेत की मिट्टी हो, अगर ना हो पाए तो आप दूसरे खेत की मिट्टी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात होती है जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने फील की है, हमारे साथ हुआ है, तो वो गलती आप ना दोहराएं। हमेशा इसका उपयोग छान कर ही करें। अगर आप बिना छाने इसका यूज़ करते हैं तो ये पंप की नोज़ल में फंस जाएगा, उससे आपका नोज़ल ब्लॉक हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इसका उपयोग आप करें तो इसे उपयोग के पहले छान लें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी CVR सॉइल तकनीक के ऊपर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसी चीज़ें इस चैनल पर शेयर करें जिससे किसान कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सके, उसका जो आर्थिक स्तर है धीरे 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 इम्प्रूव हो सके। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं उसकी मजबूती की बात करूं तो सिर्फ वो उसी कंडीशन में आ पाएगा जब उसकी लागत कम होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसी तरीके वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, बीइंग ऑर्गेनिक एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और बागवानी से जुड़ी हर संभव जानकारी दी जाती है। दोस्तों आज का टॉपिक है एक और जैविक कीटनाशक लेकर मैं आपके साथ में आई हूँ, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में रामबाण का काम करता है। जी हाँ, इसका नाम है दशपर्णी अर्क। मोस्ट ऑफ दी पीपल, बहुत से किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं वो इसके महत्व से अच्छी खासी तरीके से वाकिफ होंगे, बट जो इसके बारे में नहीं जानते हैं आज का वीडियो वो लोग डिटेल में देखिए, पूरा देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिए। इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ये कितना कारगर है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए हैं, दशपर्णी अर्क मतलब कि 10 पत्तों से मिला हुआ अर्क।
ये एक ऐसा अर्क है जिसके अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आप अच्छी खासी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े वायरस से भी अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। और अगर प्रिवेंटिव मेथड के तौर पर जिसे हम कहते हैं कि पहले से प्रिकॉशनली अगर आप इसका स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी फसल में किसी भी तरीके का कोई कीट नहीं लगेगा। तो दोस्तों, क्या है दशपर्णी अर्क और इसे कैसे बनाया जाता है? ये एक जैविक कीटनाशक है जो बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों से किसान भाई घर में आराम से बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें लगने वाली सामग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले लगना है आपको 200 लीटर पानी, उसका ड्रम, 10 लीटर गौमूत्र, दो किलो आपको ताज़ा गाय का गोबर लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो देसी गाय का ही गोबर लीजिए, वो बेस्ट होता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप दूसरी नॉर्मली गाय का भी गोबर ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में लगेगी आपको आधा किलो हल्दी, हल्दी पाउडर जो नॉर्मली आप अपने किचन में यूज़ करते हैं वही हल्दी पाउडर यूज़ कर लीजिए, कोई अलग से इसके लिए हल्दी पाउडर नहीं आता है, आधा किलो हल्दी पाउडर। इसके अलावा आधा 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 किलो आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची लेनी है और इनका पेस्ट बना लेना है, इनकी अच्छी फाइन सी चटनी बना लेनी है, बारीक सी चटनी बना लेनी है। आधा किलो हल्दी, आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च और आधा किलो अदरक, इन तीनों का पेस्ट आपको बना लेना है। और इसके अलावा आपको लगना है 10 ग्राम हींग। ये सामग्री हमारे पत्तों के अलावा जो आपको सामग्री लगने वाली है वो है, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपको लगना है 200 लीटर पानी, 10 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर ताज़ा गाय का गोबर, देसी गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया है, आधा किलो हल्दी, आधा आधा किलो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और 10 ग्राम हींग। अब इसके अलावा आपको लगने हैं दोस्तों 10 प्रकार के पत्ते। पत्ते आपको वो लेने हैं जिसे कोई भी गाय नहीं खाती है, कोई भी जानवर नहीं खाता है। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बता देती हूँ कि आप कौन कौन से पत्ते यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 10 पत्ते लेने हैं जिन्हें गाय या दूसरे जानवर नहीं खाते हैं। तो आप इनमें ले सकते हैं नीम, सीताफल, जामुन, उसके अलावा गाजर घास, लेमन ग्रास, आंकड़े का पत्ता, अरंडी का पत्ता, गेंदे का जो पत्ता होता है वो, जो भी पत्ते आपके आसपास मिलते हैं, आपकी मेड़ के आसपास मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ कर लीजिए। अनार के पत्ते यूज़ कर सकते हैं आप, महुआ के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो करौंदे के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। जितने फलदार वृक्ष हैं जिन्हें जिनके पत्ते गाय ना खाए उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ लीव्स, कोई भी 10 प्रकार के पत्ते आपको ले लेने हैं, दो दो किलो आपको ये पत्ते लेने हैं। अब दोस्तों, इसे बनाया कैसे जाए? तो सबसे पहले बहुत आसान विधि है इसकी। सबसे पहले जो आपका ड्रम है आप उसे आधा पानी से भर लीजिए, जो आपका 200 लीटर का ड्रम है उसे आप आधा पानी से भर लीजिए। उसके बाद इसमें गौमूत्र डाल दीजिए, फिर जो गोबर आपने लिया है उस गोबर को अच्छे से पानी में एक बकेट में घोल लीजिए और उसे भी इसमें मिक्स कर दीजिए। जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है आप उसे भी इसमें डाल दीजिए, हींग को इसमें डाल दीजिए। कुल मिला के जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस पानी में डाल देनी है। उसके अलावा जो पत्ते हैं वो पत्ते भी आप इसमें डालते जाइए, धीरे धीरे लकड़ी के डंडे की सहायता से आप उसे दबाते जाइए, सारे पत्ते अच्छे से पानी में डूब जाने चाहिए। इस तरीके से हमें सारे 10 के 10 पत्ते उसमें डाल देने हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ स्पेस है, बची हुई जगह है, उसे भी आप पानी से फिल कर दीजिए। दैट्स इट, इतना सिंपल सा इसका मेथड है, लेकिन ये बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत ही शानदार जैविक कीटनाशक है, हर तरीके के कीट पर ये काम करता है। तो इतनी साधारण सी इसकी बनाने की विधि हो गई है दोस्तों। 40 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि सुबह शाम इसे आप लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाते रहिए और ये 40 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने का शेड्यूल आप ऐसा रखिएगा कि हमेशा ये आपके खेत पर, आपके फार्म पर अवेलेबल हो, क्योंकि जैसे बीमारी आई तुरंत फुरंत में ये नहीं बन पाता है, इसलिए आप हमेशा इसे बनाकर रखिए। इसकी स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, इसे आप कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो आप इसे 6 महीने तक बिना किसी समस्या के बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
खराब ये बाद में भी नहीं होता है, पर इसकी जो जो कैपेसिटी होती है, जो काम करने की इसकी शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए 6 महीने का आप एक बार में बनाकर रख लीजिए। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फसल पर कोई कीट आ रहा है, वैसे तो आप प्रिवेंटिव तौर पर इसे यूज कीजिए, हफ्ते में एक बार हर फसल पर स्प्रे कीजिए, और अगर कोई आ भी जाती है परेशानी तो फिर आप इसको रेगुलर स्प्रे करते रहिए। जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये कितना मैजिकल जैविक कीटनाशक है। दोस्तों अब अगर बात करें इसे उपयोग कैसे करना है, तो जो आपका 200 लीटर का ड्रम होता है, आप उसमें 5 से 7 लीटर इसे मिक्स करके यूज कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। स्प्रे कर दीजिए, पूरी फसल को अच्छे से नहला दीजिए। 200 लीटर पानी में 5 से 7 लीटर आप इसे मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। ये मैंने 1 एकड़ के लिए बताया है, 1 एकड़ के लिए इतना पर्याप्त होता है। आराम से आप पूरी आपकी 1 एकड़ में जितनी फसल है उस पर इसको प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर मैं 25 लीटर के पंप की बात करूँ तो उसमें आप 600 ml तक इसे मिक्स कर दीजिए, इतना सफिशियंट होता है। तो दोस्तों ये बात हुई है दशपर्णी अर्क की, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा जैविक कीटनाशक है। हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों के ही इस्तेमाल से खेती करते आए हैं। ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और रासायनिक जो कीटनाशक आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये कुछ ही साल हुए हैं इन्हें आए हुए और हम उनके इतने आदी हो गए हैं। एक बार आप पलट कर देखिए, यदि आप फिर से कोशिश करें, फिर से पलट कर देखेंगे तो आप देखेंगे प्रकृति ने भरपूर चीज़ें दी हैं हमें, जिनके उपयोग से हम भारी से भारी कीट को भी आसानी से अपनी फसल से दूर कर सकते हैं। बस जैविक खेती में आपको अगर ध्यान रखना है तो आपको प्रिकॉशनली सारी चीज़ें लेके चलनी है। इसके अलावा जैविक खेती में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, दशपर्णी अर्क को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, इसे कैसे बनाना है, कैसे इसे उपयोग करना है। हर तरीके की फसल पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इससे नुकसान हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप आने वाली फसल के लिए अभी से दशपर्णी अर्क बनाकर रखेंगे और उसे उपयोग ज़रूर करेंगे प्रिकॉशनली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें शेयर होंगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। और यदि आप जैविक खेती पहले से कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कमेंट बॉक्स में बताइए, लोग आपसे प्रोत्साहित होंगे, आपको देखकर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि जैविक खेती करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो नीमास्त्र पर बेस्ड है। नॉर्मली किसान भाई जैविक खेती शुरू करते हैं, जैविक खाद डालते हैं, जैविक तरीके से तैयारियाँ करते हैं, पर जब बात कीटों के प्रकोप की आती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट होता है, एक डर होता है कि जैविक खेती में हम कीटों को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जिनका यदि आप प्रॉपर तरीके से समय रहते अपनी फसल पर देख ले कि ये कीट लग रहा है या इसकी संभावना है, तो आप तुरंत उसका उपाय कीजिए। जब आप तुरंत चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जैविक खेती में भी कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमाई का एक जो मोटा हिस्सा रहता है, एक जो बहुत बड़ी रकम रहती है, वो DAP यूरिया के साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो कीटनाशक आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें चला जाता है। तो किसान की इनकम तो कम हो रही है, लेकिन उसका जो पैसा जा रहा है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है कि भाई खाद हो गई, कीटनाशक हो गए, एक बार स्प्रे किया नहीं फ़र्क पड़ा, दो बार स्प्रे किया, फिर इससे ज़्यादा पावरफुल स्प्रे किया, तो आपका जो एक मोटा जो पैसा है वो कीटनाशक में चला जाता है। और यदि आप खाद जैविक डाल रहे हैं लेकिन कीटनाशक रासायनिक डाल रहे हैं, तो किसी भी तरीके से वो जैविक खेती में नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं इसी तरीके के एक कीटनाशक की जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि नीमास्त्र कहा जाता है। पुराने समय में नहीं होता था, भगवानों के पास अस्त्र होते थे, तो आप उसी तरीके से इसे भी एक अस्त्र ही मान सकते हैं।
जो रासायनिक खेती है उससे लड़ने के लिए ये एक अस्त्र है, जिसे कहा गया है नीमास्त्र, मतलब कि नीम से बना हुआ अस्त्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी कि नीमास्त्र क्या है, कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, किन किन फसलों पे उपयोग करना है, क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जहाँ लगे वहाँ पर आप नोट करके रख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम आने वाली है। आप इसे पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, तो अगर आपने किसी फसल की बुआई कर दी है तो आप उसके लिए पहले से भी इसे तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं है आपका। आप प्रिकॉशन के तौर पर भी नीमास्त्र बनाकर रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है नीमास्त्र? नीमास्त्र एक प्रकार का जैविक कीटनाशक है, जिसे आप नीम के पत्ते और कुछ दूसरी सामग्री मिलाकर घर पर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें नीम के पत्ते प्ले करने वाले हैं, तो हमें नीम के पत्ते तथा निम्बोली लगेगी। सबसे मेन जो आपको चीज़ लगेगी, किस मात्रा में लगेगी? आपको 10 किलो नीम के पत्ते और निम्बोली लगेगी। इसके बाद आपको देसी गाय का गोबर लगेगा, वो भी मात्र 2 किलो। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि गाय का गोबर और गोमूत्र देसी गाय का ही हो। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी देसी गाय का गोबर 2 किलो। इसके बाद लगेगा आपको गौमूत्र, गौमूत्र आपको 10 लीटर लगेगा। जब भी आप गौमूत्र को स्टोर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इसे धातु के बर्तन में स्टोर नहीं करना है, आपको प्लास्टिक के बर्तन में ही इसे स्टोर करना है। प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, ड्रम ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसे स्टोर कर लीजिए। तो गौमूत्र हो गया हमारा 10 लीटर। इसके बाद लगेगा आपको 200 लीटर पानी और एक प्लास्टिक का ड्रम। तो कुल मिलाकर हमें ये 5 चीज़ें लगने वाली हैं, नीम के पत्ते तथा निम्बोली 10 किलो, गौमूत्र आपका हो गया 10 लीटर और गाय का गोबर हो गया आपका 2 किलो। अब ये सामग्री आपको इजीली आराम से आपके आसपास मिल जाएगी, इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब बात आती है बनाने की विधि, बहुत आसान विधि है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर का कोई भी व्यक्ति इसे तैयार कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जो नीम के पत्ते या निम्बोली है आप उन्हें अच्छे साफ पानी से धो लीजिए, उन पे किसी भी तरीके का कोई भी फंगस, मकड़ी का जाल, कोई भी कीट ना हो, अच्छे खुले पानी में उसको वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, और मिक्सर या सिलबट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसे अच्छे से पीस लीजिए, प्रॉपर तरीके से। जितना महीन इसका पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा रोल ये प्ले करेगा। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे बारीक तरीके से पीस लें। अब इसके बाद में जो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें गोबर के अकॉर्डिंग आप पानी डालिए, अच्छे से उसे घोल लीजिए, अच्छा लिक्विड तैयार हो जाना चाहिए मसलते हुए। अब जो आपका नीम के पत्ते निम्बोली की चटनी है, गाय का गोबर है और गौमूत्र है, इन सबको आप 200 लीटर का जो आपका ड्रम है उसे पानी से भर लीजिए और ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। गाय का गोबर मसलते हुए, कहीं पे भी गोबर का कुछ कड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा गोबर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी के अंदर। तो गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया और नीम के पत्ते और निम्बोली की चटनी हो गई। दोस्तों, अगर निम्बोली नहीं है तो आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे निम्बोली आसानी से गाँव में कहीं भी मिल जाती है तो कोई समस्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको पानी के ड्रम में डाल लेना है और अच्छे से लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाना है, जिसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, उस सुई की दिशा में आपको इसे अच्छे से हिलाना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको डंडा लकड़ी का ही लेना है, धातु का नहीं लेना है, धातु का डंडा नहीं लेना है, लकड़ी का ही डंडा लेना है और सुई की दिशा में आपको इसे हिलाना है। और ये जो आपने मिश्रण तैयार किया है इसे आपको छायादार स्थान पर रख देना है। कितने समय के लिए? 48 घंटों के लिए। दोस्तों, 48 घंटों में आपको सुबह शाम इसे कम से कम 2 से 3 बार आप इसे डंडे की सहायता से प्रॉपर हिलाइए, ताकि वो अच्छे से मिक्स होता जाए और प्रॉपर तरीके से बनता जाए। ये जो 48 घंटे हैं इस बीच में आपका नीमास्त्र बनकर तैयार हो जाएगा।
बहुत ही शानदार कीटनाशक जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, कोई मेहनत नहीं लगी है, कोई लेबर नहीं लगा है, आपने आपके घर के सदस्यों ने स्वयं ही इसे तैयार कर लिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए कोई खर्चा हुआ आपका? कोई खर्चा नहीं हुआ। इस तरीके से आपने नीमास्त्र को तैयार कर लिया और छायादार स्थान पर कपड़े से ढककर इसे रख दीजिए 48 घंटों के लिए। या तो आप कपड़े से ढक दीजिए, आप जूट की बोरी से भी ढक सकते हैं, एरेशन होना ज़रूरी है। जो गाय का गोबर और गौमूत्र है उसमें असंख्य बैक्टीरियाज उपस्थित है, अगर आप इसे किसी बर्तन से या किसी ऐसी चीज़ से ढक देंगे जिससे एरेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो आपका जो गौमूत्र जो नीमास्त्र बन रहा है वो ख़राब हो जाएगा। और आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है, नहीं तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, बनने से पहले ही ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे छायादार स्थान पर रखना है और कपड़े से ढककर रखना है जिससे इसमें एरेशन प्रॉपर होता रहे, हवा का आवागमन प्रॉपर बना रहे। इस तरीके से आप देखेंगे कि 48 घंटों में आपका नीमास्त्र तैयार हो गया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसान भाई नॉर्मली क्या करते हैं, जो कीटनाशक बनाया है उसमें आप पानी मिला लेते हैं, कुछ मात्रा में रेशो मिला लेते हैं पानी का, और फिर उसे आप स्प्रे करते हैं। हमें नीमास्त्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें नीमास्त्र बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में यूज़ करना है, जैसा है वैसा का वैसा हमें छान कर यूज़ करना है। 48 घंटों बाद जब आपका, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास में फ्रेंड्स वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल उपलब्ध है तो आप 10 लीटर इसमें वो घोल भी मिला दीजिए, सोने पे सुहागे का काम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर वेस्ट डिकम्पोज़र है तो बिल्कुल श्योर हो जाइए, या आपके किसी किसान भाई के पास भी है आप उनसे बोरो कर लीजिए, उनसे ले लीजिए और इसमें मिला दीजिए। जो नीमास्त्र में जब आपका वेस्ट डिकम्पोज़र डलता है तो वो उसका जो पावर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके जो गुण होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि नीमास्त्र में आप वेस्ट डिकम्पोज़र का भी उपयोग कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बाद आप इस घोल को अच्छे से कपड़े से छान लीजिए, छान कर डायरेक्ट इसका स्प्रे कीजिए, स्प्रे पंप में डाल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इसमें किसी भी तरीके का पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, सीधे उपयोग करना है। अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे तो इसका पावर कम हो जाएगा और इसका रिजल्ट कम दिखेगा, या हो सकता है ना दिखे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे पूरा ही प्योर फॉर्म में ही यूज़ करें। तो हमारा नीमास्त्र बन गया। यूज़ कैसे करना है वो भी देख लिया, किन किन फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जिन भी फसलों पर आपको रस चूसक कीट का प्रकोप दिखाई दे, या छोटी सुंडियों का प्रकोप दिखाई दे, हल्का सा भी आपको लगे कि पास के खेत में है या हमारे ही खेत में थोड़ा बहुत रस चूसक कीट आ रहा है, आप तुरंत इसका स्प्रे स्टार्ट कीजिए। जब आप इसका स्प्रे स्टार्ट करेंगे रेगुलर, तो वो धीरे धीरे पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम बीमारी की शुरुआत अवस्था में ही जैविक कीटनाशक का स्प्रे शुरू कर दें। जब शुरुआती अवस्था में आप स्प्रे करेंगे तभी आप इस पर अच्छे से कंट्रोल पा पाएंगे। तो इस तरीके से आप हर फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इवन अगर आपका किचन गार्डन है, आपने सब्जियां लगाई है या दूसरे पौधे लगाए हैं जिन पर रस चूसक लग गया है या छोटी सुंडियाँ लग गई है, आप उन पे भी बिंदास स्प्रे कीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। किसी भी फसल पर कीजिए। तो इस तरीके से आप हर तरीके की फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो नीमास्त्र में होती है वो ये होती है कि ये ख़राब नहीं होता है। 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो आपकी अभी की फसल, आने वाली फसल दोनों के लिए आप साथ में भी बना के स्टोर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्लास्टिक के बर्तन में ही स्टोर करना है, धातु के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीमास्त्र इस्तेमाल करते समय जो आपको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि आप धूप में इसका स्प्रे मत कीजिए। अगर आप धूप में इसका स्प्रे करेंगे तो नुकसान सिर्फ ये होगा कि ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, और अगर वाष्पीकृत हो गया तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और जब भी नीमास्त्र आप बनाएं, उसे छायादार स्थान पर ही बनाएं। इसके अलावा इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ कि नीमास्त्र प्रकृति के लिए, मिट्टी के लिए, इंसान के लिए, पशु के लिए किसी भी तरीके का कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। नॉर्मली आप देखते हैं जो रासायनिक कीटनाशक आप यूज़ कर रहे होते हैं
उनके ऊपर लिखा रहता है दस्ताने पहनिए, इनसे दूर रखिए, बच्चों से दूर रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉइजन का एक अंश होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में आप जहर अपनी बॉडी में दे रहे होते हैं। जब भी आप रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी बॉडी के अंदर जाता है। आप चाहे फसल पे स्प्रे कर रहे हो, चाहे मिट्टी में जा रहा हो, उससे जो उत्पादन आ रहा है आप उसे खा रहे हैं। तो सोचिए कि आप उस जहर का अंश खुद ही अपने पेट में धीरे 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 देते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम जैविक कीटनाशक बनाएं जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा, ना आपको होगा, ना फसल को होगा, ना प्रकृति को होगा, और आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपका खर्च नहीं होगा। देखिए, किसान भाई की आमदनी वैसे ही कम रहती है, पूरी दुनिया पूरे देश को उगा के खिला रहा है वो, पर उसकी खुद की जेब में हमेशा पैसे की कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जितना पैसा वो कमा रहा है उससे ज़्यादा तो वो कीटनाशक में लगा रहा है, खाद में लगा रहा है। तो हमें रास्ते ऐसे खोजने होंगे जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और हमारी जो लागत है वो कम होते जाए। और उसका एकमात्र रास्ता है कि आप जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाएं, जैविक उत्पाद खुद ही बनाएं। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करूंगी, कोई सजेशन आपको नहीं दूंगी, आप इस कंपनी का ब्रांड का यूज़ करो, आप इसका यूज़ करो। मैं आपको यही बोलूंगी, आप स्वयं तैयार कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैविक खेती में जो आप अपने घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि चाहे वो खाद हो गई, चाहे वो कीटनाशक हो गए, चाहे वो सूक्ष्म तत्व हो गए, या पावर बूस्टर टॉनिक्स हो गए फसल के लिए, आप वो सब कुछ खुद ही तैयार कीजिए। बस उसी में से एक शुरुआत आप यहाँ से कीजिए, आप नीमास्त्र खुद के लिए खुद ही बनाइए। आप जब इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपके आसपास के जो किसान भाई हैं वो खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे कि आपने बिना पैसा खर्च किए भी इस कीट पर कैसे कंट्रोल पाया है। तो आप उनके साथ में भी शेयर कीजिए। देखिए, हमारा मकसद किसान को उठाना है, तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो इससे आपके साथ साथ उनकी भी स्थिति में सुधार होगा। और हमारा मकसद ही यह है कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है, किसान की स्थिति सुधारना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फसल पर आए कीटों के प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं। घर पर खुद का नीमास्त्र बनाएं, उसे उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं हम, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जैविक खेती में अपना योगदान दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपके साथ ही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और जैविक खेती में अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों, योगदान छोटा हो या बड़ा देना ज़रूरी है। चाहे वो योगदान आप अपने परिवार के लिए जैविक सब्जियां उगाकर दे रहे हों अपनी छत पर, या किसान भाई बड़े पैमाने पर जैविक खेती करके दे रहे हों, लेकिन योगदान देना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जैविक खेती में अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो भी जैविक खेती से ही रिलेटेड है, और ये है जैविक कीटनाशक पर, जो है अग्नियास्त्र। आज हम अग्नियास्त्र से रिलेटेड डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। एक किसान भाई ने मुझे कमेंट भी छोड़ा था कि नरमे की फसल पर आई हुई सफ़ेद मक्खी या रस चूसक कीटों से कैसे बचाव किया जाए। भाई साहब, आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अग्नियास्त्र से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, क्या इसे स्टोर किया जा सकता है, किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है अग्नियास्त्र? अग्नियास्त्र एक जैविक कीटनाशक है। इससे पहले हम नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र पर बात कर चुके हैं, आज हम डिटेल में अग्नियास्त्र पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जब रासायनिक खेती कर रहे होते हैं तो आप सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देकर ख़रीदते हैं, और जब आप जैविक खेती की बात करते हैं
तो आप जैविक खाद हो, जैविक कीटनाशक हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हो, जो भी हो, व्हाटएवर जो भी आपको खेती में लगता है, वो सभी चीज़ें आप स्वयं अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बिना किसी लेबर के, अपने परिवार की सहायता से, घर में मिलने वाली चीज़ों से। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ वो सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से शेयर करूं, जिससे आपको जैविक खेती करने में सहायता मिले, आप में आत्मविश्वास आए कि नहीं, हम जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अग्नियास्त्र पर बात होने वाली है। अग्नियास्त्र किन कीटों पर काम करता है दोस्तों? स्पेशली ये रस चूसने वाले कीटों पर, छोटी सुंडियों पर, रेड बेटल पर, फल छेदक पर, तना छेदक पर, इस तरीके की जो भी बीमारियां आपकी फसल पर आती है, ये उन सभी बीमारियों पर काम करता है। सिर्फ हमें ध्यान ये देना होता है कि हम सही समय पर उपचार शुरू कर दें, हम देरी ना करें। यदि आपको 2% भी लगता है कि नहीं, मेरी फसल पर ये प्रकोप आ सकता है, आप तुरंत जैविक कीटनाशक बनाकर उसका स्प्रे शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी फसल पर नहीं होता है। तो अगर आप कीट के आने के पहली अवस्था के भी पहले अगर जैविक कीटनाशक का स्प्रे शुरू कर देंगे तो आपकी फसल पूरे तरीके से बच जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अग्नियास्त्र में लगने वाली सामग्री की। आपको सबसे पहले लगने वाले हैं नीम के पत्ते, वो भी 5 किलो। 5 किलो नीम के पत्ते आपको लगेंगे। दूसरी चीज़ आती है गौमूत्र। गौमूत्र आपको देसी गाय का लेना है, वो भी 20 लीटर। दोस्तों, अगर आपके पास गौमूत्र की जगह वेस्ट डिकम्पोज़र है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको लेना है 20 लीटर गौमूत्र। उसके बाद आता है तंबाकू पाउडर। तंबाकू आप सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे, तंबाकू पाउडर ब्राउन कलर का होता है, जो नॉर्मली पहले के टाइम में खाया जाता था, आज भी बहुत से लोग इस गंदी लत के शिकार हैं। तो जी हाँ, वही तंबाकू पाउडर आपको लेना है 500 ग्राम। फिर आपको लेनी है तीखी हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा तीखी होनी चाहिए, जिसे आप लौंगी मिर्ची भी बोलते हैं, छोटी छोटी आती है, तीखी हरी मिर्च लेनी है, वो भी लेनी है आपको 500 ग्राम। इसके बाद लहसुन की चटनी, वो लेनी है 250 ग्राम। मैं सामग्री एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए, आगे के लिए अच्छा रहेगा। नीम के पत्ते 5 किलो, गौमूत्र देसी गाय का 20 लीटर, अगर गौमूत्र नहीं है वेस्ट डिकम्पोज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, तंबाकू पाउडर 500 ग्राम, तीखी हरी मिर्च 500 ग्राम, लहसुन की चटनी 250 ग्राम। आई होप आपने नोट कर लिया हो, ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली है। अब हमें क्या करना है, हमें हरी मिर्च, लहसुन और नीम के पत्ते, इन सभी का बारीक फाइन पेस्ट, या यूं कहिए चटनी बना लेनी है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मिक्सर ग्राइंडर है उसमें बना लीजिए, खलबत्ते में बना लीजिए, जो भी आपके पास है आप उसमें प्रॉपर तरीके से इसकी चटनी बना लीजिए। हरी मिर्च, लहसुन, नीम के पत्ते, सभी को आपने अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद में जो तंबाकू पाउडर है, ये सारी चीज़ें आपने लेकर जो गौमूत्र या वेस्ट डिकम्पोज़र आपके पास है उसमें डाल देना है। उसमें डाल के आपको इसे मध्य आंच पे उबालना है मिट्टी के बर्तन में। जो सारी चीज़ें हैं उनका आपने फाइन पेस्ट बना लिया है, उसमें तंबाकू पाउडर भी मिला लिया है, और गौमूत्र या वेस्ट डिकम्पोज़र जो आपके पास अवेलेबल है आपने उस पर इन्हें मिट्टी के बर्तन में मध्य आँच पर उबालना है। लगभग 2 उबाल आपको लेने हैं, उस बीच में ये चीज़ें अच्छे तरीके से उबल जाएगी, लेकिन चीज़ें सारी आपको धीमी आंच पर करनी। ऐसा नहीं है कि फटाफट फ्लेम ऑन कर दिया या फटाफट जला दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं है, धीमी आंच पर पकने दीजिए उसे। उसका पूरा अर्क हमें उतारना है, तभी हमारा अग्नियास्त्र कम्प्लीट होगा। एक बार 2 बार उबाल आपने ले लिया है, उसके बाद उसे आँच से उतार लीजिए और 48 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 48 घंटों के बाद इसे ढकना ना भूलें, कपड़े की सहायता से आप इसे कवर करके रख दीजिए और 48 घंटों बाद इसे छानकर आप उपयोग में ला सकते हैं। इस बीच में आपको लगातार 2 से 3 बार आपका जो मिश्रण है उसको लकड़ी के डंडे की सहायता से हिलाना है, हिलाना ना भूलें, अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो 48 घंटों के बीच में 2 से 3 बार आप उसे लकड़ी के डंडे की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 48 घंटों बाद आप इसे कपड़े की सहायता से या छलनी से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे छान लीजिए। आपका अग्नियास्त्र पूरे तरीके से रेडी है काम करने के लिए। अब इसे यूज़ कैसे करना है दोस्तों? अगर आपने 5 लीटर अग्नियास्त्र लिया है तो 200 लीटर पानी आपको लेना है, और ये 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए सफिशियंट होता है।
मतलब 200 लीटर पानी के साथ में आप 5 लीटर अग्नियास्त्र का उपयोग करेंगे एक एकड़ की फसल के लिए। अच्छे से स्प्रे करना है, अपने पौधों को पूरे तरीके से नहला देना है। अगर आप इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जो भी तना छेदक कीट या पत्ते खाने वाले या जो सफ़ेद मक्खी या जो छोटी सुंडियों का प्रकोप आपकी फसलों पर होता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये कीटनाशक का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में ये आपके जो फसल है, आपके जो पौधे हैं, उन्हें पोषक तत्व भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसमें गौमूत्र है। इसमें गौमूत्र ना ले रहे हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर है। ये दोनों चीज़ें आपकी फसल के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप जब चेंजेस देखेंगे तो आपका कीट तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, कीट तो आपका ख़त्म हो ही रहा है, साथ में आपकी फसल को पोषक तत्व मिलने से जो एक फसल में एक ब्राइटनेस, एक जो चमक, एक जो हरापन आपकी फसल में आएगा वो आप खुद ही देख पाएंगे, खुद ही विजिबल होगा। और जब फसल हेल्दी होती है फ्रेंड्स, तो उस पर कीटों का प्रकोप अपने आप नेक्स्ट टाइम से कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप अग्नियास्त्र का उपयोग कीजिए, बहुत ईजी है। 5 लीटर अग्नियास्त्र 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको यूज़ करना है। आपकी जो भी फसल पर कीट आया है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई अनाज हो या दूसरी जो भी फसल आप ले रहे हैं, आई होप आपको विधि अच्छे से समझ में आ गई हो कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अगर आपने नीमास्त्र का प्रयोग किया है, कई बार दिमाग में डाउट रहता है इंसान के कि मैंने नीमास्त्र का उपयोग किया था, क्या अब मैं अग्नियास्त्र का उपयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को एक हफ्ते के गैप में चलने दीजिए। आपने एक बार नीमास्त्र का स्प्रे किया है, एक हफ्ते का गैप लीजिए, फिर आप अग्नियास्त्र का स्प्रे कीजिए। इससे मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी फसल पर किसी भी तरीके का कोई कीट नहीं आएगा। जो आया भी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और फसल को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो तो अपने आप में सोने पर सुहागा का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी फसलों पर यूज़ कीजिए। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए कि मेरी फसल पर कीट आने वाले हों उसके पहले ही मैं सारी तैयारी करके रख लूँ। कोई मेजर खर्चा नहीं होना है। लहसुन, हरी मिर्ची, इसमें क्या खर्चा होगा आपका? कई किसान तो खुद ही उगाते, तो उनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें होती है। अच्छा, अगर मैं इसको स्टोर करके रखने की बात करूँ तो आप 3 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 3 महीने के अंदर ही इसे पूरा उपयोग कर लें। तो दोस्तों, ये हो गई कंप्लीट जानकारी अग्नियास्त्र के ऊपर। बनाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, किन किन फसलों पर यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमने कवर की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है या आपकी किसी पर्टिकुलर फसल पर कोई कीट आया हुआ है या आपकी फसल के साथ कोई परेशानी चल रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं या जिस भी फसल की जैविक खेती करने के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम प्रॉपर तरीके से बिना खर्च के आप खेती कर सके वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। जो भी मेरे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ, हम जैविक खेती कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जब आप बोलेंगे तभी दूसरे किसान भाई भी प्रोत्साहित होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन वीडियोस की ज़रूरत हर उस किसान को है जो जैविक खेती करना चाहता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगी कि आप अपने जो भी सर्कल में किसान भाई हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर शेयर करें और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें। जब समझेंगे तभी वो उसे उपयोग में लाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।